हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से देखने वाले हैं। कह रहा है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट अंडर 3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर dx। हम लोग नीचे वाले इसके ये जो रूट के अंदर में है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर कर लेते हैं। 3 माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस का 2x और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 माइनस, यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर है प्लस 2x को 2 इंटू में x इंटू में 1 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस और यहाँ ये माइनस, प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 3 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 हो जाएगा, 4 माइनस का x प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 को आप यहाँ 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में रूट ऑफ क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर और माइनस में x प्लस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स के लिए ना, हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई में यानी x प्लस 1 और बाई में 2 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, इंटीग्रल निकालना है x प्लस 1 बाई में x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 dx। अच्छा, इसे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, लेट x प्लस 1 इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस का b। क्या हो जाएगा आगे, x प्लस 1 इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस का 4 और प्लस में b। चलिए x प्लस 1 इक्वल टू में यहाँ कर सकते हैं 2ax प्लस का 4a प्लस का b। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाई इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट इक्वेट कर देते हैं यहां से ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए। 2a इक्वल टू में हो जाएगा 1 यानी a का वैल्यू आ जाएगा यहां पे 1/2 और 4a प्लस का b इक्वल टू में हो जाएगा 1। ठीक है, यानी 4a का वैल्यू 1/2 रख दीजिए प्लस b इक्वल टू में 1, ये कट जाएगा दो बार में, 2 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1। तो अब आप हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 बाई में x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 dx। तो अब आप x प्लस 1 की जगह पे ये वाला स्टेप पुट कर देते हैं, यानी हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a इंटू में 2x प्लस का 4 प्लस b बाई में x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 dx। अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा a इंटू में इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस का 4 और बाई में आपके पास x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और प्लस b इंटू में 1 बाई x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 विथ रेस्पेक्ट 2x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए a और b का वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू 1/2 है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस का 4 और बाई में x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 dx और b का वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में, इसको देखो आप जो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है इसका फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ देखिए x का स्क्वायर और 4x को 2 इंटू में x इंटू में 2x, इंटू होगा तो 4x आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x नहीं रहेगा। चलिए तो 2 का स्क्वायर ऐड करिए, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए और प्लस में 4, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो जाएगा किसका, x प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 4 का 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना जी, ये प्लस 5 था और 4 और प्लस का 5 तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस में इसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और प्लस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले पे हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, यानी कि 1/2 या लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस, ये टेन इनवर्स पे है ना जी, 1/a यानी 1/1 टेन इनवर्स x / a यानी x प्लस 2 / में 1 और प्लस सी। तो फाइनली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और माइनस टेन इनवर्स x प्लस का 2 और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, हमें इंटीग्रल निकालना है 5x प्लस 7 और नीचे है रूट अंडर x माइनस का 5 इंटू में x माइनस का 4 dx। आप इसे ऐसे लिख दीजिए ना, इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस का 7 नीचे रूट के अंदर में ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 dx, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग इसे,
यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5x या लेट 5x प्लस 7 इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस का भी हो जाएगा 5x प्लस का 7 इक्वल टू में a इंटू में 2x माइनस का 9, ठीक है, और प्लस का भी। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x प्लस का 7 इक्वल टू में 2ax माइनस का 9a प्लस का भी। क्या लिखते हैं, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ठीक है, इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां से, 2a इक्वल टू में 5, यानी a इक्वल टू में 5 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहां पर माइनस का 9a प्लस का b इक्वल टू में 7, माइनस का 9, a का वैल्यू है 5 बाई 2 प्लस b इक्वल टू में 7, तो b इक्वल टू में 7 और प्लस का कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 और बाई 2, एलसीएम ले लेंगे 2, 14 और प्लस का 45, कितना आ जाएगा, ये 59 आ जाएगा ना, b का वैल्यू 59 और बाई में 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्या था जी, इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस का 7 और बाई में था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का क्या था, प्लस का 20, ठीक है, प्लस का 20, ठीक है, यही ना था जी। तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5x प्लस 7 की जगह पर ये रख देंगे, a इंटू में 2x माइनस का 9 प्लस का b और बाई में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx, ठीक है, अलग अलग करते a इंटू में इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस का 9 और बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx और प्लस b इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20। ए और बी का वैल्यू रख देते हैं, ए का वैल्यू 5 बाई 2 है ना, 5 बाई 2 रख देते हैं और इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस का 9 बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, बी का वैल्यू 59 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई नीचे वाले का फैक्टर करके यहां रखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 है ना, इसे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स इंटू में 9 बाई 2, 9 बाई 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां से यह फॉर्मूला हो गया x माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर और 20 और माइनस का 81 और बाई में 4, यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, x माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर या 20 80 आ जाएगा, 80 माइनस का 81 तो माइनस 1 बाई 4, तो यानी माइनस का 1 बाई 4 यानी कि 1 बाई 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो इसको रख देते हैं, तो x माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर dx। चलिए तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखिए नीचे रूट में है और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बाई 2 ऐसे ही 2 रूट एक्स हो जाता है, यानी कि 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, ठीक है, प्लस का यहाँ पे देखिए 59 बाई 2 और ये जो है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है ना, इसका हो जाता है लॉग एक्स यानी कि एक्स माइनस 9 बाई 2, ठीक है, प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, आप फिर ब्रैकेट बंद करके मोड़ देके आप प्लस सी, यानी कि फाइनली आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ ये देखिए कट जाएगा, आ जाएगा 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस का 59 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस का 9 बाई 2 और प्लस में रूट ऑफ, इसको सॉल्व करोगे तो वही ना आ जाएगा जो क्वेश्चन में था, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, हमें इंटीग्रल निकालना है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई में एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक काम करते इसमें पुट कर देते हैं हम लोग इस 1 प्लस एक्स को टी स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा इसका 1 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 2t dt बटा में dx, तो यानी कि यहाँ से हम dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2t dt। चलिए अब इसके बाद देखिए
यहां से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का वन, ये ना हो जाएगा जी। चलिए यहां रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अब यहां पे, इंटीग्रल ऑफ ऊपर रूट के अंदर में टी स्क्वायर, और ये भी नीचे भी तो रूट ही है ना, रूट अंडर में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का वन, और यहां इंटू में आ जाएगा टू टी डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से स्क्वायर से ये रूट हट गया, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यहाँ एक टी है और यहाँ टू टी है, तो टू टी स्क्वायर और बाई में रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का वन डी टी। टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर बाई में रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस का वन डी टी। अब आगे हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन और फिर प्लस वन दे देते हैं बैलेंस करने के लिए, और बाई में है रूट अंडर में टी स्क्वायर माइनस का वन डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसे अलग अलग कर देते हैं, टू इंटू में इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन बाई में रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, और प्लस टू इंटू में इंटीग्रल ऑफ वन बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का वन डी टी। यहाँ ये इसे काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस वन टाइम्स में है ना डी टी, और यहाँ टू इंटीग्रल ऑफ वन बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का वन डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप वन का स्क्वायर दे सकते हैं ना, यहाँ भी वन का स्क्वायर, तो फॉर्मूला के रूट अंडर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स बाई टू यानी कि टी बाई टू, ठीक है, रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर माइनस का वन का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में देंगे ना, टू पूरे के बाहर है, अच्छा, और प्लस में ये है, तो प्लस में यहाँ देखिए क्या है, टू इंटू में वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पर है, तो इसका होता है लॉग ऑफ एक्स यानी कि टी प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर सॉरी, और प्लस सी। तो फाइनली आप इसे देखिए, ये टू मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा टी रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का वन माइनस का, यहां देखो टू से कट जाएगा, लॉग ऑफ यहां पर टी प्लस का रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का वन, और प्लस का टू इंटू में लॉग टी प्लस का रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का वन प्लस सी। यहां देखो ये चीज दो बार है और ये वन टाइम से, तो यहां क्या आ जाएगा टी रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का वन प्लस का लॉग ऑफ टी प्लस का रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का वन और प्लस सी। टी किसके इक्वल है देखो, तो ऊपर से यहां से टी के वैल्यू की बात करें तो टी का वैल्यू होगा रूट अंडर वन प्लस का एक्स या एक्स प्लस का वन, रूट अंडर एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं या वन प्लस का एक्स भी लिख सकते हैं, और टी स्क्वायर वन प्लस एक्स के इक्वल है। टी का वैल्यू क्या है, तो ये आपका वन रूट अंडर वन प्लस एक्स के इक्वल है, और टी स्क्वायर माइनस वन की बात करेंगे, यहां से टी स्क्वायर माइनस वन जो होगा एक्स के इक्वल हो जाएगा है ना, तो वहां एक्स रख देते हैं ठीक है, प्लस में लॉग ऑफ रूट अंडर वन प्लस का एक्स प्लस इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसका मैंने वैल्यू अभी बताया एक्स के इक्वल हो जाएगा और प्लस सी। तो आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे लिख दो, एक्स रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस का लॉग ऑफ एक्स को पहले लिख दो और प्लस में रूट अंडर वन प्लस एक्स और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, इंटीग्रल निकालना है रूट ऑफ वन माइनस का एक्स बाई एक्स दिया, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं वन माइनस एक्स को टी का स्क्वायर, तो यहां से देखो तो एक्स का वैल्यू वन प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस वन इक्वल टू में टू टी डी टी बाई में डी एक्स, यानी कि यहां से डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ टू टी डी टी, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ इसका आ जाएगा टी स्क्वायर, और नीचे एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स जो है तो एक्स इक्वल हो जाएगा वन प्लस का टी स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का टू टी डी टी, ठीक है, यहाँ स्क्वायर से रूट ऊपर हट जाएगा, ये माइनस का टू कॉन्सेंट कर लो ऊपर, यहाँ एक टी या एक ये टी, टी स्क्वायर हो जाएगा और बाई में रूट ऑफ वन प्लस का टी स्क्वायर डी टी, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ एक काम करते हैं, माइनस टू इंटीग्रल ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, वन ऐड कर दिए और वन सब्ट्रैक्ट भी कर देता है, नीचे है रूट अंडर वन प्लस का टी स्क्वायर डी टी। चलिए अब इसके बाद देखिए अलग अलग डिवाइड करते हैं, माइनस टू पार ही रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा जी इंटीग्रल ऑफ, या दोनों में अलग अलग माइनस टू लगा दे क्या, इंटीग्रल ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर और बाई में आपका रूट अंडर वन प्लस का टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, टू इंटू इंटीग्रल ऑफ वन बाई रूट ऑफ वन प्लस का टी स्क्वायर डी टी। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे ये एक बार में कट जाएगा, माइनस का टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस का टी स्क्वायर डी टी और प्लस का टू इंटू में इंटीग्रल ऑफ वन बाई वन प्लस का टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो वन का स्क्वायर कर सकते ना, तो ये वन का स्क्वायर प्लस का टी का स्क्वायर, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना, तो चलिए अब हम लोग उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए इसका हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो माइनस टू ऐसे रहने दो, क्या हो जाएगा इसका, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स बाई टू यानी कि टी बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स यानी कि टी प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर और प्लस में टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ वन बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे है, ठीक है, तो इसका होता है लॉग ऑफ टू है तो टू रहने दो, लॉग ऑफ टी प्लस का रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस का टी का स्क्वायर प्लस सी। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, ये टू इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ऑफ टी रूट अंडर वन प्लस टी स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस का ये मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, टू से टू कट जाएगा, लॉग ऑफ टी प्लस का रूट अंडर वन प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का टू लॉग ऑफ टी प्लस का रूट अंडर वन प्लस का टी स्क्वायर, एक बार ये सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस टी रूट अंडर वन प्लस का टी स्क्वायर माइनस ऑफ और ये प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस का रूट अंडर, ये टी प्लस का रूट अंडर वन प्लस का टी स्क्वायर प्लस सी। देखिए टी किसके इक्वल है ऊपर देख लो एक बार, और वन प्लस टी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो वन प्लस टी स्क्वायर एक्स के इक्वल है और टी इक्वल हो जाएगा किसके, रूट अंडर वन माइनस एक्स के, रूट अंडर वन माइनस एक्स टी के इक्वल है, रूट अंडर वन माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल है, रूट अंडर वन प्लस का टी स्क्वायर, तो ये एक्स के इक्वल है, देख लो वन प्लस टी स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो एक्स लिख देते हैं प्लस में लॉग ऑफ टी किसके इक्वल है, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स के और प्लस ये किसके, रूट एक्स के और प्लस सी। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करता माइनस ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस का रूट अंडर वन माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, हमें इंटीग्रल निकालना है रूट अंडर ए माइनस का रूट अंडर एक्स बाई में वन माइनस का रूट अंडर ए एक्स डी एक्स। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे रूट ए से डिवाइड और रूट ए से ऊपर मल्टीप्लाई, तो रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर ए एक्स हो जाएगा और बाई में वन माइनस का रूट अंडर ए एक्स डी एक्स। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, किसको टी पुट कर देते हैं, तो इसमें हम लोग ना ये जो आपका एक्स है ना इसी को टी पुट कर देते हैं, या फिर वन माइनस एक्स जो है वन माइनस रूट अंडर एक्स को टी पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ना आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि वन माइनस टी इक्वल हो जाएगा किसके, रूट अंडर एक्स के, हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका, तो इसका ये तो इसका हो जाएगा क्या आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा रूट में है तो माइनस वन बाई टू रूट अंडर ए एक्स और ए एक्स का ए आ जाएगा ऊपर इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि इसको इधर लाते हैं, यहाँ हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू में
क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, टू रूट अंडर ए एक्स बाई ए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इक्वल टू में डी टी, है ना। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं रूट अंडर ए एक्स का, तो डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस का, माइनस का टू इंटू में रूट अंडर एक्स का वैल्यू क्या है, वन माइनस का टी और बाई में ए डी टी, ठीक है। तो एक काम करते हैं माइनस अंदर कर देते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टू इंटू में टी माइनस वन और बाई में ए डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, वन बाई रूट अंडर ए, यहाँ ध्यान देखिए इंटीग्रल ऑफ ए माइनस का, ये ए इसका देखिए रूट अंडर एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, वन माइनस का टी के, ठीक है। और बाई में देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमने पूरे का टी माना है, और डी एक्स का आ जाएगा टू इंटू में टी माइनस का वन बाई ए डी टी, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए आगे करते हैं, इसके टू और ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, तो टू बाई में यहाँ ए का पावर वन है, यहाँ ए का पावर वन बाई टू है, तो ए का पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, इंटीग्रल ऊपर हो जाएगा ए माइनस का वन और यहाँ पे प्लस का टी हो जाएगा, ठीक है। और बाई में आपका टी है, टू बाई ए निकल चुका है और इंटू में टी माइनस वन है और ये डी टी, अलग अलग सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ऊपर, तो 2 बाई ए का पावर 3 बाई टू, इंटीग्रल ऊपर सबका मल्टीप्लाई करिए, तो a में t से करेंगे, चाहे पहले t में t से करो, t का स्क्वायर, फिर t में 1 से करो माइनस का t, ठीक है। फिर अब इसके बाद इस 1 के साथ करते हैं माइनस का t और फिर माइनस माइनस प्लस का 1, है ना। फिर a के साथ करते हैं ए टी और माइनस का a डी टी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 बाई में a का पावर 3 बाई टू, ये टी स्क्वायर को एक साथ रखिए, यहां पर ध्यान दो, यहां माइनस टी माइनस टी, माइनस का 2 टी, आइए यहां पे t वाला है, तो a माइनस का 2 इंटू में t हो जाएगा, समझे ना ये कैसे हुआ, ये t है और माइनस का 2 टी है, इन दोनों में से t कॉमन हो गया, यही आ गया, और प्लस का 1 माइनस a एक साथ रहेगा, और बाई में t डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 बाई ए का पावर 3 बाई टू, ये पूरे के बाहर में ऐसे ही रखते हैं, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर और बाई में टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ ए माइनस टू टी बाई टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का ए बाई टी डी टी। अब देखिए 2 बाई ए का पावर 3 बाई टू, इंटीग्रल ऑफ यहाँ t हो जाएगा प्लस का, यहाँ ये t से t कैंसिल, a प्लस टू कॉन्स्टेंट, a माइनस टू कॉन्स्टेंट है, 1 डी टी और प्लस ये 1 माइनस ए कॉन्स्टेंट है, 1 बाई टी डी टी। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 बाई ए का पावर 3 बाई टू, यहाँ इंटीग्रल ऑफ टी, टी का इंटीग्रल आपको पता ही है टी स्क्वायर बाई टू प्लस का, इसका टी हो जाएगा ए माइनस टू इंटू में टी प्लस का वन माइनस ए लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या, वन माइनस रूट अंडर ए एक्स के इक्वल है, वन माइनस रूट अंडर ए एक्स, टू बाई ए का पावर थ्री बाई टू, वन बाई टू, 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इंटू में 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स टी इसके इक्वल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 माइनस ए लॉग ऑफ 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा।